आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। रविवार को डिहरी अनुमंडल क्षेत्र के डिहरी नगर थाना में एएसपी संजय कुमार और डिहरी नगर थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने मंगलवार को हो रहे सरस्वती पूजा को लेकर कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में डीजे और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। सभी लोग सरस्वती पूजा को लेकर शांति तरीके से मनाएंगे और किसी भी मूर्ति विसर्जन करने से पहले पुलिस प्रशासन से आदेश लेकर पूजा को सम्पन्न करेंगे। इस बैठक में डिहरी नगर थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार गुप्ता, डिहरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार साथ ही शहर के सामाजिक कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। आरपी भारत के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। तो शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, किन किन मुद्दों को लेकर विशेष पर चर्चा हुई? आज शांति समिति की बैठक डिहरी नगर थाना में आयोजित की गई और सरकार का गाइडलाइन का पूरी तरह से पढ़कर के लोगों को सुनाया गया, समझाया गया कि किसी भी हालत में कोविड-19 का पालन करना आपको आवश्यक है और पंडाल में आपको सैनिटाइजर रखना है और हर व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए आपको बाध्य करना है। किसी भी तरह का डीजे का प्रयोग नहीं होगा और मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों को यह बताया गया है कि कम से कम आदमी लोग हों और दो स्थल को चुना गया है और उसी दो स्थल पर मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। तीसरा, रंग अबीर गुलाब विसर्जन के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, वह प्रतिबंध रहेगा, डीजे पर प्रतिबंध है। उसके बाद इस कमेटी में लोगों को हिदायत किया गया कि किसी भी हालत में 17 तारीख को हम लोग विसर्जन कराएंगे और इस कमेटी के सदस्यों से ये निवेदन किया गया है कि अपने अपने मोहल्ले में जाएं और लोगों को समझाएं और किसी भी हालत में आप 17 तारीख को विसर्जन करा दें। इसके अलावा 18 को विसर्जन यदि होता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई उन पर करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।